वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कोल्टे पाटिल डेवलपर लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 281 रुपये और इसके डे की क्लोजिंग है 5.2%। अब बात करते हैं फंडामेंटल के ऊपर। सबसे पहले फोरकास्ट के ऊपर आया हूं। यहां पर दो एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद है जो इसमें बाई के लिए कह रहे हैं। अब बात करते हैं इसके फाइनेंस के ऊपर। अब हमारे आपके सामने लास्ट 4 ईयर का जो है रिवेन्यू है 2018, 19, 20 और 21। 2018 में टोटल रिवेन्यू 1400 करोड़ था जो बढ़ के 2019 में 876 करोड़ हो गया, 2020 में 1100 करोड़ और 2021 में 708 करोड़। 2021 का आप कह सकते हो कि कोरोना इफेक्ट था, पर उससे पहले आप देखोगे इसका जो ग्रोथ रेट है अनस्टेबल है, कभी एकदम बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी नेट इनकम के ऊपर। 2018 में इसकी 121 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में प्रॉफिट 75 करोड़ का रह गया और रिवेन्यू भी कम हुआ है। आप देखोगे 2020 में रिवेन्यू बढ़ा है पर इनकम कम हुई है। अब बात करें 2021 में, 2021 में कंपनी लॉस में आ गई है। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, एक तो प्रमोटर के पास बहुत अच्छी खासी होल्डिंग है, प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग कम की है पर इन द एंड प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड अपना पैसा निकाल चुका है। डी आई ने अपनी होल्डिंग कम की है पर रिसेंटली इसने बढ़ाई भी है। एफ आई लगातार इसमें से अपना पैसा निकाल रहा है। बाकी सारी होल्डिंग पड़ी है हमारे पास रिटेल के पास। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म का किसी का प्लान है तो इसकी एक बार क्वार्टर की परफॉर्मेंस देख लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। अगर स्टेबिलिटी की बात करते हो शेयर काफ़ी स्टेबल लग रहा है प्रमोटर होल्डिंग के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि बाइंग टाइम, अगर कोई अभी बाय करना चाहता है तो मत करे। सिंपल, अगर फिर भी कोई करना चाहता है तो एक SL के साथ बाई करे। और इसमें जो हमारे पे SL लास्ट सपोर्ट इसका है 274 रुपये का, अभी क्या प्राइस है 282 रुपये। तो आपको इसे 274 रुपये के SL के साथ ही इसे बाई करना। अगर इसे ब्रेक करेगा तो इसमें एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 260 रुपये का है। अगर 260 को भी ब्रेक करता है तब तो आपने इसमें निकली जाना है, क्योंकि उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अभी शेयर ऑल टाइम पीक पे है। अगर देखो इसी तरह ये शेयर आने वाले टाइम में 300 रुपये तक भी जा सकता है, पर जब भी ऑल टाइम पीक पे होता है उस समय हमें अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसके साथ ट्रेड करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।